हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 कोर्स इटालियन मेन्यू के बारे में। आप लोगों ने फ्रेंच कुजीन की हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें कि हमने 17 कोर्स जो फ्रेंच मेन्यू के अंदर आते हैं उनके फ्रेंच नाम आपको बताए थे। उसी प्रकार से हमारा इटालियन के भी 8 कोर्स का मेन्यू होता है, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो 8 कोर्स होते हैं उनको इटली में या इटालियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैं आपको वो एक एक करके बताने वाला हूँ। बट आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपके लिए हम और भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहें और वो वीडियोस आपके पास रेगुलरली आती रहें। आप लोग हमसे प्यार करते हैं तो उस प्यार को दर्शाने का तरीका है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस पे कमेंट करना है और सारे के सारे जितने भी शेफ लोग हैं उनके साथ इसको आपको शेयर करना है। सबसे पहला कोर्स यहां पे आता है वो है हमारा एंटीपास्ती, जिसको कि हम लोग अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो स्टार्टर या फिर एपेटाइजर या फिर हम लोग ऑदोस बोलते हैं। बट इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो हमारा फर्स्ट कोर्स है वो एंटीपास्ती कहलाएगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग ब्रुशिट्टा देते हैं, कई सारे क्योर्ड हैम होते हैं, सलामी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। आपकी चीज़ बॉल हो गया, फिंगर फूड हम लोग बोल सकते हैं, मैरिनेटेड ऑलिव्स हो गया, मैरिनेटेड वेजिटेबल्स हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देते हैं। दूसरे कोर्स की हम लोग बात करते हैं जिसको कि इटली में हम लोग बोलते हैं प्रिमी पाइती, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कोर्स हो जाता है। इसके अंदर हमारी राइस की या फिर हमारी पास्ता की डिश को सर्व करते हैं, जैसे हमारा लज़ानिया हो गया, बोलोग्नेज हो गया, पास्ता इन टमाटो सॉस हो गया, पास्ता इन सी फूड हो गया, इस प्रकार की चीज़ें, या फिर हमारे रिजोटो हो गया, ठीक है, जिसको कि हम लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो इस प्रकार के डिशेज हमारे सेकेंड कोर्स में हम लोग अपने इटालियन मेन्यू के अंदर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ थर्ड मेन्यू की बात करेंगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेकिंडो पाइती। सेकिंडो का मतलब सेकंड, पाइती का मतलब मेन कोर्स। जो पहला मेन कोर्स था वो हमारा राइस और पास्ता के बीच में कोई एक होगा, दूसरे के अंदर हमारा ये मेन कोर्स एक्चुअली में आ जाता है जिसके के अंदर हमारे चाहे सी फूड हो गया, चाहे मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, हमारे स्टेक्स हो गया, रोस्ट करी हुई आइटम्स होगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग सर्व करते हैं। अगर मैं इटालियन की बात करूँ तो यहाँ पे एक डिश होती है जिसको कि हम लोग ओसो बोको बोलते हैं, जो कि मिलान से बिलोंग करती है, ठीक है, जो कि वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है। चौथे कोर्स पे हम लोग आ गए हैं जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्टोर्नी। कॉन्टोर्नी का मतलब होता है कि एक साइड डिश जो कि मेन जो कोर्स है उसके साथ सर्व होगी। अब ये किसी प्रकार का पोटैटो हो सकता है, किसी प्रकार की वेजिटेबल्स हो सकती हैं, या किसी प्रकार का सैलेड हमारा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ओसोबो को ही दिया है तो साइड में आप लोग वहाँ पे क्या देंगे, पोटैटो और आपकी जो रोस्ट वेजिटेबल, ग्रिल्ड वेजिटेबल आप लोग देंगे। पांचवें कोर्स के अंदर इटली के अंदर जो सर्व किया जाता है, सर्व किया जाता है हमारा चीज़ विद फ्रेश फ्रूट, और यहाँ पे इस कोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्मागी फ्रूते। इसके बाद 6th कोर्स पे हम लोग आते हैं इटली के अंदर जिसको कि बोलते हैं डोल्से, और यहाँ पे जो सर्व किया जाता है वो सर्व किया जाता है डिज़र्ट। यहाँ पे एक डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है इटली के अंदर जिसको कि हम लोग तिरामिशू बोलते हैं, और इसका मतलब होता है पिक मी अप, कि भाई मुझे उठाओ फटाफट खाओ मुझे, ठीक है। और जितने भी शेफ है सबको तिरामिशू के बारे में मालूम ही होगा, और नीचे कमेंट करके बताइए कि तिरामिशू के अंदर कौन सा फ्लेवर होता है या क्या होता है एक्चुअली में तिरामिशू। इसके अलावा और भी जितने डेजर्ट होते हैं, जिलातो हो गया, केक्स हो गया, तोड़ते हम लोग बोलते हैं केक को इटली में, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सर्व की जाती हैं। 7th कोर्स के अंदर जो सर्व किया जाता है उसको हम लोग कैफ़े बोलते हैं। कैफ़े का मतलब हमारा कॉफ़ी हो गया, यहाँ पे किसी प्रकार की कॉफ़ी या फिर अ कप ऑफ कैपेचिनो, एक कैपेचिनो का जो कप होता है, ठीक है, कॉफ़ी के साथ वो सर्व किया जाता है। 8th कोर्स के अंदर जो कि फाइनल कोर्स होता है इटालियन मेन्यू का, वो होता है डाइजेस्टिवो। इस कोर्स के अंदर जो डाइजेस्टिव लिकर्स होते हैं वो सर्व किए जाते हैं, कहीं कहीं पे इसको ग्रापा भी बोला जाता है, जिसके कि अंदर जो लास्ट में खाने के बाद, मील के बाद उनको चीज़ें सारी डाइजेस्ट हो जाएं, वो सर्व किया जाता है, ठीक है। तो यही सारे के सारे हमारे जो 8 कोर्सेज होते हैं वो इटालियन के मेन्यू के अंदर चलते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अब प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसके अलावा एक हमारा ऐप भी है आईएचएम गुरुकुल, जहाँ पे आप लोगों को ढेर सारी कलनरी से रिलेटेड ई बुक्स होगी, कोर्सेज होगे, सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होगे, स्पेशली शेफ लोगों से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। आप उसको भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट से जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।